लो जी अजीब गरीब वाक्य है, शहर में आ गए जी। योर जर्नी टू स्पेस स्टार्ट्स हियर। जी जी जी, साउथर्न में आज सैटेलाइट का आ गया है कुछ बहुत बड़ा रॉकेट, जो यहाँ पे कहते हैं आ जाओ अगर आपने जाना है स्पेस में, तो इसमें घुस जाइए। कौन कौन तैयार है ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो आपको फिलहाल साउथर्न में ये रॉकेट जो आ गया है जी, ये दिखा सकता हूँ। ज़रा गौर फरमाइए, तीन मिनट कहते जी इंजन का टाइम है, 327 किलोमीटर का, पता नहीं 7,000 का पिता हुआ जी। चलो पीछे से इसका मैं दिखा देता हूँ, दुम भी मतलब चिमनी भी दिखा देता हूँ जहाँ से इसकी आग निकलेगी। लो जी कंपनी वर्जन ऑर्बिट भी, क्या बात है जी। लो क्या बात है जी इसकी, अगर आप देखना चाहें तो इस वक्त ये मौजूद है बारगेट में, साउथम्पटन का किला जो बारगेट है उसमें है। किला ये सामने है, इसकी दूसरी तरफ ये लगा हुआ है और लोग जो हैं इसकी तस्वीरें ले रहे हैं। और ये आपकी सैर की सैर, इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन अखंड साहब पेश कर रहा है। यूके स्पेस एजेंसी से कॉन्टेक्ट कीजिए अगर आप भी स्पेस में जाने का ख्याल रखते हैं तो। दुनिया कट्ठी हुई हुई है सारी आज, बड़े बड़े कैमरे वाले आए हैं यहाँ पे, न्यूज रिपोर्टर। ये देख लीजिए क्या बात, मज़े की बात यह है कि साउथहैम्पटन में इसको डिस्प्ले किया गया है, उसके बाद स्वानजी, लेस्टर, ब्रैडफोर्ड, बेलफास्ट, एबरडीन, न्यूकासल, हल एंड ग्रेट यारमाउथ, हेस्टिंग, इन जगहों पे भी इसको लोकेट किया जाएगा। और यही इसका नक्शा भी इधर दिया हुआ है उन्होंने, और जिस जिस शहर में ये जाएगा आप इसको देख भी सकेंगे। और वैसे अगर आप दिलचस्पी रखते हैं यहाँ के आने जाने की, तो ये लिखा है जी फ्रॉम द एस्ट्रोनॉट टू द अकाउंटेंट, क्या पे सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, पढ़ लीजिए। इंजीनियर हैं, एजुकेटर हैं, क्रिएटर हैं, कोडर्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं, क्या क्या, सैटेलाइट बिल्डर्स हैं। देयर इज अ रियली स्पेस फॉर एवरीवन। और ये साथ लिखा हुआ है जी इसका जो एड्रेस, मैं आपको ज़रा ऐसे करके दिखा देता हूँ साहब, ये शहर में जब ये पहुँचेगी तो आप उससे तस्वीर लीजिएगा। मुझे भी शौक हुआ, मैंने कहा चलो एक तस्वीर मैं भी इसे हल देता। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि ये स्पेस रॉकेट यानी लॉन्चर वन 2007 से 2020 तक तैयार होता रहा, 2021 से 2023 तक अपनी उड़ान यानी फ्लाइट्स में रहा। इसे बोइंग 747 जो ख़ास तौर पर इसे आसमान में उस हद तक ले जाने के लिए तैयार किया गया था से उड़ाया जाता रहा। इसकी पहली फ्लाइट 25 मई 2020 और आखिरी 9 जनवरी 2023 को थी। आज तक इसकी टोटल फ्लाइट्स 6 थीं, जिनमें 4 कामयाब और 2 कामयाब ना हो सकी। ये अक्सर छोटी सैटेलाइट जिनका वजन 300 किलो या 660 पाउंड तक था के लिए ही तैयार किया गया है, और यह अमेरिका में तैयार किया गया था। इसकी लागत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर आई है और हर दफ़ा उड़ाने पर 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हो जाते हैं।
आजकल ये साउथहैम्पटन में यहाँ पे डिस्प्ले के लिए है, और आपके शहर जो मैंने बताए पहले उनमें आ रहा है। और बता दूं कि 8 जून अगला जो थर्सडे आ रहा है तब तक ये यहाँ है, और जहाँ कहीं जाएगा शायद एक हफ्ता वहाँ इसको डिस्प्ले किया जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो साउथहैम्पटन के जो गिर्द नवा में रहते हैं वो यहाँ देख सकते हैं। बाकी मैंने तफसील दी है, वहाँ भी अपने शहर के करीब, मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रेडफोर्ड में हैं तो ब्रेडफोर्ड के करीब जो जितने भी लोग हैं वो इसे वहाँ देख सकते हैं। और ये वादा कर दूँ कि ये असली है, कोई डमी वगैरह नहीं है। अच्छा जी, यही उड़ के जाता रहा है और हो सकता है फिर भी जाए। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अल्लाह हाफिज़।